नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं और परिणामों के साथ सबक, संजीवनी और संदेश तीनों दिए गए हैं। पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहां समाजवादी पार्टी ने न केवल बीजेपी को सीटों के मामले में पीछे किया है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बेहतर जमीन भी तैयार की है। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सभी 37 सांसदों को बुलाया गया था, जिसको लेकर बड़ी बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा जीत की बधाई देते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी की बात की गई। इस मौके पर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी के कई सांसदों से बातचीत की, देखिए आप भी। महिलाओं की जीत है, महिलाओं ने भाजपा को नकारा है। भाजपा ने जिस तरीके से महिलाओं के साथ छल किया है, चाहे वो हमारी महिला खिलाड़ी हो या प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को टिकट दिया है, तो उसके विरोध में महिलाओं ने बड़ी तादाद में इंडिया अलायंस को वोट किया है। युवाओं को हमेशा यहाँ पर आगे ले जाने, बाकी पहले अपने भाई को जिताया, अपनी जीत यहाँ पर दर्ज की है, कैसे देखते हैं? बड़ी भूमिका रही है, ये हमारे जो लोगों का प्यार है, क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद है, और यही कोशिश रहेगी कि जितना विश्वास उन्होंने हम पर जताया है, उनके विश्वास को कायम रखें, ईमानदारी से। महिलाओं की भूमिका बड़ी करेंगी जी, बिल्कुल, पूरे जोर शोर से उनका आवाज उठाएं। उसके लिए मैं माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभारी हूँ और आजमगढ़ के लोगों का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। पर क्या मानते हैं जनार्दन, कितनी बड़ी संजीवनी है 27 के लिए? नहीं, बहुत ऐतिहासिक जीत है और अब ये जीत का सिलसिला रुकेगा नहीं, अब ये रुकेगा नहीं, चुनाव दर चुनाव बढ़ता जाएगा। क्या मानते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा जनादेश आपको मिला है, भूमिका क्या रही? बहुत शानदार मिला है, वो तो आपके सामने है, वो कोई छुपी हुई चीज नहीं है, अब तो सबके सामने है। सबसे बड़ी पार्टी उभरी है, तीसरी नंबर। हाँ बिल्कुल, सदे नेताजी का सपना पूरा हुआ है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बाद में बोल लेंगे। चलो अच्छा जी, एक सवाल फिर, 27 में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? 27 में सरकार बननी है। इस बार भी अगर भाजपा ने बेईमानी ना करी होती पिछले चुनाव में, 10 वर्ष सरकार समाजवादी पार्टी की होती। ये क्या माने जनादेश उत्तर प्रदेश से जो आया है? जी बिल्कुल, जनादेश सरकार के पक्ष में है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में। आगे बढ़ाओ, अभी मैं आ रहा हूँ, सबसे बात करूंगा, सबसे बात करूंगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।